नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आज मैं आप लोगों के साथ एक कहानी साझा करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो एक बार की बात है, एक सर्दी की रात थी और एक व्यक्ति जब अपने घर जा रहा था तो उसे रास्ते में उस ठंड से ठिठुरता हुआ एक बुजुर्ग आदमी मिला और उस व्यक्ति ने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा, क्या आपको यहाँ ठंड महसूस नहीं हो रही और आपने कुछ पहन भी नहीं रखा? तो उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, क्या करूं, मेरे पास कुछ है नहीं पहनने के लिए, लेकिन आप चिंता ना करें, मुझे इसको सहने की आदत है। तो उस व्यक्ति ने उस बुजुर्ग आदमी को कहा कि रुको, मैं अपने घर से आपके लिए कुछ लेकर आता हूं। तो इतना सुनकर वो बुजुर्ग आदमी बहुत खुश हुआ और उसने उस व्यक्ति से कहा कि मैं आपका इंतज़ार करूँगा। वो व्यक्ति अपने घर में गया और वहाँ जाकर व्यस्त हो गया और उस गरीब आदमी को भूल गया। सुबह उसे उस गरीब आदमी की जब याद आई तो वो उसे ढूंढने निकला, लेकिन उसने पाया कि उस रात बहुत अधिक ठंड होने की वजह से उस बूढ़े आदमी की मृत्यु हो गई थी। लेकिन मरने से पहले उस बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति के लिए कागज़ पर कुछ लिखा था जो इस प्रकार था कि जब मेरे पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था तो मेरे पास इस ठंड से लड़ने की शक्ति थी, क्योंकि मेरे शरीर को इसकी आदत थी, लेकिन जब आपने मुझसे मेरी मदद करने का वादा किया तो मैं आपके वादे से जुड़ गया और इसने मेरी दृढ़ता को कमज़ोर कर दिया। तो दोस्तों, कहानी का सार ये है कि अगर आप अपना वादा निभा नहीं सकते तो किसी से वादा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है शायद आपके लिए ये सब बहुत सामान्य हो, लेकिन ज़रूरी नहीं सामने वाले के लिए भी इसके मायने वही हो। धन्यवाद।